क्या आना हुआ बच्चों की कल्पना और रचनात्मक जो प्रवृत्ति है उसको ये मौका मिलता है वो प्रदर्शित करें। यहाँ बच्चों की कलात्मक कृतियाँ, उनकी जो पेंटिंग्स हैं और उन्होंने जो बच्चों ने खिलौने बनाए हैं और जो बहुत सी चीज़ें चित्रित किया है,
इससे उनकी कलात्मक प्रवृत्ति, उनकी कल्पना, उनका प्रयास और उनकी मेहनत ये प्रदर्शित करती है और इससे बच्चों का विकास होता है उनकी कल्पना में, उनकी क्रियात्मकता में, उनकी भावनाओं में। ये जो शिक्षा पद्धति है, ये पद्धति बच्चों में एक कल्पना, क्रियात्मकता, मेहनत और रचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करती है और ये बहुत ही सुंदर आयोजन है और इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ के आशक जहाँ की बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई थी और जो रचनाएं बनाई हैं, उनमें से ज्ञानमती माता का जो पर्वत का दृश्य और उसमें जो संत जन है, मुनि जन है, महाबली महावीर हैं और जो अनेक तीर्थांकर हैं, उनका जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से अनेक कृतियां भी हैं जो कि धार्मिक भावनाओं के साथ साथ अहिंसा के धर्म पर विशेष प्रभाव है और उसको होना चाहिए। आज हमारा जैन विद्यालय का मेले का प्रोग्राम है, हम लोग इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं। झूला अभी नहीं लगाया है। इसका नज़रिया ये है कि बाहर के भी और स्कूल के बच्चे हमारा मेला देखें और उससे वो प्रेरणा लें कि हम अपने विद्यालय को कैसे जो है और आगे। मैं सुनील कुमार जैन, मैं यहाँ के पिछले 11 वर्ष से मंत्री के पद पर हूँ। वार्षिक बाल मेला है और ये कार्यक्रम मैं प्रतिवर्ष लगाती हूँ। इस कार्यक्रम की मेन विशेषता है कि हम बच्चों के द्वारा हाथ से बनाए हुए कार्यक्रम की प्रदर्शनी लगाते हैं, जो कि शायद कोई स्कूल नहीं लगाता है। इससे बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा मुखरित होती है। इसके अतिरिक्त मेरा ये जैन विद्यालय है, हम जैन धर्म से आधारित झांकियां अवश्य दिखाते हैं और बच्चों के अंदर भाई उनको खेल कूद भी चाहिए तो वो सब भी इस बहाने मेरा पूरा हो जाता है। मेले का मुख्य जो आकर्षण वो क्या होता है? मेले का मुख्य आकर्षण तो होती है यहाँ की प्रदर्शनी। जैसे कि हर स्कूल में केवल खाना पीना घूमना फिरना वो सब तो हमारे यहाँ आपको मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ मेले का मुख्य आकर्षण यहाँ पर हैंडमेड प्रदर्शनी। आपका परिचय? मैं मिसेस जैन इस विद्यालय में। आपका परिचय? मैं श्रीमती माधुरी जैन, प्रिंसिपल जैन विद्यालय प्रयाग।